गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं का विज्ञान का पार्ट एक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक मतलब होता है, रासायनिक को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल, अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन एवं एंड समीकरण इक्वेशन। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे अभिक्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भौतिक अभिक्रियाएं और दूसरी होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई नया परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि हम बर्फ़ को हम बाहर रखते हैं तो वो पानी बन जाती है, पर जब हम दोबारा उसे फ्रिज में रखते हैं तो वो दोबारा से क्या होती है, जम जाती है और बर्फ़ बन जाती है। तो क्या हुआ, बर्फ़ में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, वो दोबारा से हम उसको उसकी जो पहली वाली अवस्था थी उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। और जैसे वैसे ही जैसे बल्ब जलता है ना, और फिर हम उसे बंद कर देते हैं, बंद कर दिया और फिर दोबारा जल गया वो, तो ये क्या हुआ, भौतिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि वो अपनी दोबारा से उसी अवस्था में आ सकता है जो उसकी पहली अवस्था थी। परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। दूसरी होती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ परिवर्तन आते हैं और वो चेंज आती हैं, वो अपनी अवस्था को चेंज कर देते हैं। जैसे कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, कोयला। अब कोयले को हम दोबारा से लकड़ी में तो परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें कि वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं चेंज हो सकती है, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो चलो अब हम आगे का अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियां पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, जब हम गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं बाहर और गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो क्या होता है, दूध हमारा फट जाता है। अब जो दूध हमारा फट गया है, क्या हम दोबारा से उसको दूध बना सकते हैं, नहीं ना। और अब दूसरा है लोहा का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अब जब हम लोहे की वस्तुओं को जब हम बाहर छोड़ देते हैं खुले में नमी वाली जगह पे, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, है ना। अब जंग जब लग जाता है तो दोबारा से हम क्या लोहे को ठीक कर सकते हैं, नहीं ना। जंग लगा हुआ को हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या है, अगला है हमारा अंगूर का किण्वन होता है। आगे पढ़ते हैं, भोजन जब पक जाता है तो दोबारा से हम उसको सब्जियों में तो नहीं बदल सकते, जब सब्जी बन जाती है तो दोबारा से हम उसे हरी सब्जी में बदल सकते हैं, बनी हुई सब्जी को नहीं। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हमारा शरीर जो होता है उसमें कई सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, फिर वो भोजन पच जाता है। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में भी बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं जब हम सांस लेते हैं तो, ठीक है। अब आगे इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। अब देखिए, जब हम इन सभी परिस्थितियों जितनी भी हमने ऊपर पढ़ी हैं उनमें जो प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, जैसे कि जंग लग जाता है लोहे में, है ना। और क्या क्या पढ़ा था हमने, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जैसे गर्मियों में जब दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है, है ना। लोहे पर जंग लग जाता है, अंगूर किण्वन हो जाते हैं, भोजन पक जाता है, सांस लेते हैं, हमारा शरीर भोजन पचा लेता है। ये सभी अभिक्रियाएं में जो हमारी पहली स्थिति थी वो हमारी चेंज होकर कुछ और हो जाती है ना। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, नवीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये डिफाइन है, इसको आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि
हम जब खुले में, जब नमी वाली जगह पे जंग, जब लोहे की चीज़ होती है उस पे जंग लग जाता है ना, तो जंग लग जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम कहेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्रियाकलाप पर चलते हैं आगे। तो क्रियाकलाप में कहा गया है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होना होगा। ठीक है, पहला क्या है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं कि हम जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे रेगमाल से साफ करते हैं, तो जो मैग्नीशियम होते हैं वो एक बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और उसके ऊपर एक वाइट कलर की परत बन जाती है। अब जो वो परत बनती है उसको हमें छुटाना पड़ता है, नहीं वो जो मैग्नीशियम है वो जलता नहीं है, तो इसलिए हमें उसे रेगमाल से रगड़ना पड़ता है। रेगमाल से जब हम उसे रगड़ते हैं, रेगमाल को इंग्लिश में कहते हैं सैंड पेपर। ठीक है, तो जब हम इसे रगड़ते हैं और फिर हम इसे चिमटे की सहायता से स्पिरिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इनसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र देखिए, ये चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और इससे बर्नर द्वारा जलाया जा रहा है और ये वॉच ग्लास में हमारी राख इसकी इकट्ठी हो गई है। ठीक है, और जो ये मैग्नीशियम का दहन होता है ये ऐसा लगता है जिसकी फूलझड़ी जल रही होती है, और इसे पहन जब ये जलता है तो हमारे को सेफ्टी के लिए चश्मे पहनने चाहिए। ठीक है, और छात्र जो जब ये करें तो ये शिक्षक के सहयोग के साथ करें। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब जब हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया तो क्या हुआ, जो हमारे को जो जल गया मैग्नीशियम रिबन, हमने वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया एक वाइट कलर का चूर्ण, है ना, तो जो वो किस में परिवर्तित हो गया, श्वेत चूर्ण, श्वेत मतलब वाइट। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, ये किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि हम जो मैग्नीशियम है उसे ऑक्सीजन से एक तरह से अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है तो उसके कारण यह है जो श्वेत कलर का चूर्ण है वो बनता है। ये क्रियाकलाप 1.2 और क्रियाकलाप 1.3 हम अपनी वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे, तो पहले हम नीचे वीडियो ख़त्म होने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे को नए नए आइडियाज़ बताएं कि हम कैसे अपने चैनल पे और वीडियोस डाल सकते हैं। धन्यवाद।